रहमान रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक हो दोस्तों? आज मैं दीवान टैमर दे फ्री द टैमर दे बारे बताना चाहना। हाँ, सारे जेडे ने पता हो फ्री द टैमर ना शक्ल अलग अलग ना फंक्शन सब देख के ही है। देखते पे ना देते नंबर लग गया इन्हें, तीन नंबर, दो नंबर, चार नंबर, जी उत्ते तार ना एक नंबर है। इस तार जी बिजली आनी हो जी, इसकी छोटी जी मोटर है ना, उसमें करंट देना सिर्फ। दूसरी जी तार आती है वो इतने लगती है, इसमें दरम्यान से तीन नंबर से, तीन नंबर से एक जी मोटर से चली जाती है कंप्रैसर, एक हीटर से जाती है। आठ घंटे जोड़ा मोटर वाली साइड करंट जाता, कंप्रैसर बिजली मिलती है, तो अद्धा घंटा जोड़ा कट ऑफ हो जाता मोटर का, फिर इधर दूसरी साइड पर आ जाती है हीटर वाली साइड पर, अद्धा घंटा इधर कनैक्टर आती है। मैं बकायदा तुम प्रैक्टिकल करके टैमर खोल के चैकअप करके दसदा सी जी। आ हूँ मैं आ टैमर आ एक टैमर मैं तुम खोल दिना, पेज में खोल इस दे टाइम की बचत हो जाए। आ जी कोयल जी बनी है मोटर जी, आ मोटर है, आ इसका रूटर है जो फिर फिरदा, एक जी डायरेक्ट तार जी जी उत्ते एक नंबर तो लगी है, वह मोटर लग गई है, नज़र दुआन आती पी होनी है, आ डायरेक्ट मोटर लग गई है। दूसरी जी मोटर लगती है ना इस पॉइंट से तार, वो आ रही है नज़र आती पी है, आ जी दरमियान वाले ना कनैक्ट तीन नंबर नाल, इस तो घड़ी यार फंक्शन है, गरारियां बनी हुई हैं, गरारियां आस्ते आस्ते चलदियां रहंदियां, ते टैमर चलता रहा। फिर इस तो अगो फिर असं खोलते हैं, दो पेच लगे अंदर, आ दरमियान वाली आ गई, आ दो साइड वाली ना, आ बाहर बाहर साइड तो फेर के चेक करना है, इन्हें अस कढ़दे हुण बाहर, बाहर कढ़ के देखते हो तीन पत्रियां सिर्फ, और ये कोई चीज़ नहीं। आ हुण दो पत्रियां आपस च कनैक्ट न, फिर दरमियान वाली दूसरी साइड ते हो जाती है, आजाद हो जाती है, उसकी कट ऑफ बने ज्यों यह फिर दी है ना, कभी एक पॉइंट चीज जाता कभी दूसरा चीज जाता, कट जहा बने हुए ना। हूँ पहले नंबर वाला पॉइंट जो हटियो हूँ इस साइड वाला पहले नंबर वाल लग गया, तीन नंबर वाल छुट गया, जो थोड़ी देर जो कनैक्टर आता वो हीटर से जाता, जो ज़्यादा देर कनैक्ट रहना ना वो मोटर से जाना कंप्रैसर से। कई टाइम चेंजिंग आ जाती है, मोटर इस साइड पर भी आ सकता दूसरी साइड पर भी जा सकता, बकायदा चेक कर लेना। फिर आ गरारियां आ गई, आ गरारियां जड़ियां, आ मोटर का रूटर है उसनों गरारी बनी हुई है,
ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਐਂ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੱਕੋ ਫਿਰ ਆ ਥੱਲੇ ਗਰਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਗਰਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਮਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਆਨ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਬਲਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰੰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਸਰ। ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਾਈਮਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਹੀਟਰ 'ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਬਿਜਲੀ ਜਾਣੀ, ਮੋਟਰ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਠੰਡੇ ਕੋਣੀ ਨੇ। ਜੇ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਟਾਈਮਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਿਹਾ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਰਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਲੋਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਕਰਨਾ ਛੋਟ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਸਿਰਫ ਠੰਡ ਕਰੇਗਾ। ਆਹ ਵੀ ਟਾਈਮਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆ ਨੋ ਫਰਾਂ ਦੇ ਫਰਿੱਜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਆਹ ਟਾਈਮਰ ਹੈ, ਆਹ ਟਾਈਮਰ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ 'ਤੇ